आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फास्ट वीक और साइड बाय विद हर्बलाइफ न्यूट्रिशन पार्टी। हाय हेलो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉली डॉट। आई एम डॉली फ्रॉम उत्तराखंड। तो कल से आप सभी लोग मैं दुआ कर दूं आप सब ठीक भले। फास्ट व्हाई फास्ट? बिकॉज कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमें अचानक से पता चलता है कि कोई पार्टी आ गई या कोई इवेंट या आप ही की शादी तय हो गई है, समय है कम वेट है ज़्यादा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? उस सिचुएशन में मोस्टली लोग करते हैं डाइटिंग। उसे जस्ट डाइटिंग कहना नॉट इनफ बिकॉज वो होती है एक तरह की भूख हड़ताल जिसके बाद इंसान फिट नहीं हो जाते हैं, कमज़ोर और सुनना तो चाहते हैं ये वाला कॉम्प्लीमेंट, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बट सुनने को मिलता है क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई है क्या? सो दैट्स वाई आई एम हियर फॉर यू विद अ फास्ट वेट लॉस डाइट प्लान विद हर्बलाइफ न्यूट्रिशन पर। ओके, अगर आप इस डाइट प्लान को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में अपनी बॉडी से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट को एक्स्ट्रा वेट को कम होता हुआ देख सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि आप करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। ओके, सो सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। तो अब हम करते हैं आपका डाइट प्लान पूरा गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का। ओके, सो सुबह हो चुकी है, उठ रही एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैव अ सो ब्यूटीफुल डे। और अब हम आपको दिखाते हैं वो अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो आपकी इस फास्ट वेट लॉस जर्नी में आपके पास होने चाहिए। ओके, सो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी का एयर फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, ये आपके पास होना चाहिए। एंड सेकंड आपके पास होना चाहिए फॉर्मूला वन न्यूट्रिशन शेक मिक्स। एंड थर्ड आपके पास होना चाहिए पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। एंड फोर्थ आपके पास होना चाहिए फास्ट वेट लॉस डाइट प्लान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सेलुलॉस टैबलेट। ओके, एंड इस फास्ट वेट लॉस जर्नी में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको भूखा तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, आपको अपने पूरे दिन की डाइट को 6 मील्स में डिवाइड करना है। वो कैसे, वो हम बताते हैं कैसे। ओके, सो आपकी फर्स्ट ड्रिंक ऑफ द डे जो होगी आफ्टर योर फ्रेश वो होगी एयर फ्रेश। ओके, ये है एयर फ्रेश और इसे कैसे बनाना है हम आपको बता देते हैं। आपको 250 ml हॉट वाटर लेना है, उसमें आपको इसके 2 स्पून डाल देने हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये बन गया आपका एयर फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। ओके, एंड योर फर्स्ट ड्रिंक ऑफ द डे एंड इसी के साथ आपकी होगी फर्स्ट मील ऑफ द डे जो होगी 6 nights of almond। ओके, आपको 6 बादाम लेने हैं, आपको पानी में डुबा देना है, सुबह को उनकी ऊपर से लेयर हटाकर उन्हें अपनी एयर फ्रेश एनर्जी ड्रिंक के साथ कंज्यूम करना है। सो ये हो गई आपकी फर्स्ट ड्रिंक ऑफ द डे एंड फर्स्ट मील ऑफ द डे। एंड इसके बाद आता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समय, वो होता है हमारा वर्कआउट टाइम। और वैसे तो हम अपनी हर वीडियो में कहते थे कि 30 मिनट का वर्कआउट इज इनफ फॉर वेट लॉस, बट ये थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा एडवांस है, तो हम आपका वर्कआउट का टाइम इसमें थोड़ा बढ़ा रहे हैं। इसमें आपको 45 मिनट का वर्कआउट करना है। ओके, इसमें वर्कआउट में जो आपको जो पसंद हो आप वो कर सकते हैं, बट अगर हम सजेस्ट करें तो हम आपको कहेंगे कि आप योगा करें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज योगा हमारी फिजिकल हेल्थ एंड हमारी ब्रेन हेल्थ दोनों के लिए ही बहुत अच्छा रहता है। तो आप 45 मिनट का योगा कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड। एंड उसके बाद समय आता है हमारा ब्रेकफास्ट का। बस वेट, ब्रेकफास्ट से पहले एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपको इंटेक करनी है, वो है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी की सेलुलॉस टैबलेट। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये हमारी बॉडी में से सेलुलॉइड फैट को रिमूव करता है, जो भी बहुत ही ज़िद्दी टाइप का फैट होता है जो इजीली हमारी बॉडी से बर्न नहीं होता है। तो इसी के लिए हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी ने ये सेलुलॉस टैबलेट बनाया है, जिसे अगर आप इंटेक करते हैं तो ये हमारी बॉडी से इंच लॉस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है और हमारी बॉडी से सेलुलॉइड फैट को जल्दी से रिमूव करता है। इस बॉक्स में 90 टैबलेट होती हैं, दैट मीन्स आपको पर डे 3 टैबलेट कंज्यूम करनी है बिफोर योर मील्स, अपने ब्रेकफास्ट से पहले एक, अपने लंच से पहले एक एंड अपने डिनर से पहले एक। ओके, तो आपको ये 1 टैबलेट कंज्यूम करनी है बिफोर योर मील एंड टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो होगा 25 मिनट का। अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों से पहले आपको 25 मिनट पहले आपको ये सिंगल टैबलेट कंज्यूम करनी है सेलुलॉस टैबलेट की। ओके, एंड उसके बाद आपको कंज्यूम करना है अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आपका होना चाहिए प्रोटीन रिच, न्यूट्रिशन से भरा हुआ और लो कैलोरी। ओके, तो ये कैसे होगा हम आपको बता दें कैसे होगा। सो ब्रेकफास्ट के लिए न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। सो ब्रेकफास्ट में आपको लेना है फॉर्मूला वन न्यूट्रिशन शेक मिक्स विद योर पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। ये आपको कैसे बनाना है हम आपको बता देते हैं। तो आपकी जो शेक की जो क्वांटिटी होगी वो होगी 300 ml। इसमें 150 ml आपको लेना है टोन मिल्क एंड 150 ml आपको लेना है वाटर। वाटर एंड मिल्क को मिक्स कर लेना है आपने और ये
नॉर्मल होगा, आप गर्म नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप चिल्ड ले सकते हैं, आप कॉमन रूम टेम्परेचर पर ले सकते हैं, ठीक है। मिल्क एंड वाटर को मिक्स कर लेना है और उसमें आपको फॉर्म लवर न्यूट्रोशन शेक मिक्स के 3 स्कूप डालनी है एंड पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर के 2 स्कूप डालनी है। स्कूप इनके अंदर ही होता है, ठीक है। अच्छे से वो डालकर आपको मिक्स कर लेना है। आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं या आप शेकर कप में भी अच्छे से शेक कर सकते हैं और 20 मिनट के अंदर आपको इसे फिनिश कर लेना है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन से भरा प्रोटीन रिच लो कैलोरी वाला ब्रेकफास्ट। एंड आफ्टर योर ब्रेकफास्ट आपको 2.5 आवर तक कुछ इंटेक नहीं करना है। आप वाटर ले सकते हैं, आप एडवर्ट एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं, ओके। एंड इसके बाद समय आता है हमारा मॉर्निंग मिड डे मील का, ठीक है। मॉर्निंग मिड डे मील कंज्यूम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अगर आप अपनी मॉर्निंग मिड डे मील को स्किप करते हैं, ठीक है, तो आप अगर डायरेक्ट लंच तक जाते हैं तब क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा एंग्री नहीं, आप बहुत ज़्यादा हंग्री हो जाएंगे जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर जाएंगे जो आपके इस वेट लॉस प्रोग्राम को ख़राब कर सकते हैं। सो अपनी मॉर्निंग मिड डे मील को ज़रूर से कंज्यूम करें। उस मॉर्निंग मिड डे मील के टाइम में आप ले सकते हैं, आप एक एप्पल लीजिए, बहुत ही बड़ी ऑप्शन रहेगा, ओके। या आप स्प्राउट भी ले सकते हैं या आप पपाया भी ले सकते हैं। और आपको 5 फ्रूट अवॉइड करना है, हम आपको बता दें, आपको मैंगो नहीं लेना है, आपने बनाना नहीं लेना है, आपने चीकू खजूर ग्रेप्स ये अवॉइड करना है, ओके। एंड उसके बाद समय आता है हमारा लंच का, दैट मीन्स 4th meal ऑफ द डे का। और उसके भी 25 मिनट पहले आपको एक सिंगल टैबलेट कंज्यूम करना है सेलेरॉस टैबलेट का, ओके। एंड उसके बाद आपको अपना कंज्यूम करना है लंच। लंच के समय हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा रहता है, हमारा डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है, तो लंच हमारा बहुत हेल्दी होना चाहिए। लंच में आप क्या ले सकते हैं, आप 1 चपाती ले सकते हैं, ओके। आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, ब्राउन राइस में बहुत अच्छी मात्रा आपको फाइबर की भी मिल जाएगी बट स्मॉल क्वान्टिटी में, ओके। आप दाल लीजिए, दाल में बहुत अच्छा प्रोटीन आपको मिल जाएगा। आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स के इंटेक से आप अपनी बॉडी को मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं, ओके। तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर से लीजिए और याद रखें कि आपको पोटैटो अवॉइड करना है। आप अपनी दाल में, अपनी सब्जी में ऑयल की क्वांटिटी कम से कम रखेंगे, ओके। आप कर लीजिए, ओके। और उसी के साथ में आप पिकल ज़रूर से लीजिए, बट कुछ लोग कहते हैं पिकल के इंटेक से वेट गेन होता है, होता है नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपको बताते हैं वो अगर होगा तो कैसे होगा। अगर आप अचार को अचार की तरह से खाएंगे स्मॉल क्वांटिटी में तो आपका वेट गेन नहीं होगा, लेकिन अगर आप अचार को सब्जी की तरह से खाएंगे तो ऑफकोर्स आपका वेट गेन हो जाएगा। तो आप अचार को अचार की तरह से खाएं, ये बहुत अच्छा रहेगा, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपकी बॉडी में विटामिन B12 को इंक्रीज करेगा, ओके। सो और इसी के साथ में आपको लेना है 1 फुल प्लेट ग्रीन सैलड। ग्रीन सैलड आपको ज़रूर से लेना है, आपकी बॉडी में फाइबर की मात्रा को मेंटेन करता है, ओके। सो ये आपका हो गया हेल्दी लंच। तो हेल्दी लंच के बाद समय आता है हमारी 5th meal ऑफ द डे का, जो होता है हमारा इवनिंग स्नैकिंग टाइम। और इस समय मोस्टली हम अनहेल्दी स्नैकिंग करते हैं, जस्ट लाइक हमें याद आ जाते हैं पिज़्ज़ा बर्गर, बट हमारे इस फास्ट वेट लॉस जर्नी में हमें ये बाहर के फास्ट फूड अवॉइड कर रहे हैं। आप इस समय क्या ले सकते हैं, हम आपको बताते हैं। आप ले सकते हैं एडफ्रेश एनर्जी ड्रिंक, जिस तरह आपने मॉर्निंग में बनाया था सेम उसी तरह, और उसके साथ आप रोस्टेड मखाने ले सकते हैं, आप आलमंड्स ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप वॉमिट भी ले सकते हैं, ओके। तो इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं अपने इवनिंग स्नैकिंग टाइम में, जो आपको बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन भी देगा, ओके। एंड इसके बाद समय आता है हमारे लास्ट मील ऑफ द डे का, जो होता है हमारा डिनर, ओके। तो डिनर में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डिनर आपको अपना रात को 2 घंटे सोने से पहले ले लेना चाहिए, बिकॉज रात के समय हमारी कैलोरीज बर्न नहीं हो पाती हैं, तो हमारे सोने से पहले हमारा जो भी हम डिनर कंज्यूम कर रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। डिनर में आपको क्या लेना है, डिनर लेने से पहले तो आपको एक लेनी है सिंगल टैबलेट सेलेरॉस टैबलेट की बिफोर योर डिनर 25 मिनट पहले। डिनर में भी आपको लेना है अपना न्यूट्रिशन शेक मिक्स, उसी तरह से जिस तरह से आपने सुबह बनाया था, हाफ वाटर एंड हाफ मिल्क, 3 स्कूप फॉर्मूला वन न्यूट्रिशन शेक मिक्स की, 2 स्कूप पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, इन दोनों को मिक्स करके आपको अपना शेक बनाना है और 20 मिनट के अंदर इसे फिनिश कर लेना है। ये हो चुका है आपका हेल्दी डिनर और ये हो गई आपकी पूरे दिन की 6 मील्स। सो और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है इस फास्ट वेट लॉस कैंपेन में कि आपको 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, उससे कम बात बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है, ओके। तो 3 लीटर पानी ज़रूरी। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि ये जो एडफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है ये आप पूरे दिन में 5 टाइम ले सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले ये आपको नहीं लेना है, ओके। और इसके पर सर्विंग में आपको 40 mg कैपिन मिल जाता है, ठीक है। हम आपको बताते हैं एक हर एक इंसान की, एक अलर्ट इंसान की पर डे की जो कैफिन की बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 400 mg और इसके पर सर्विंग में 40 mg मिल रहा है। तो अगर आप इसे 5 बार दिन में लेते हैं विद 2 स्पून
तो आप दिन में 5 बार ले सकते हैं इसको, ओके। तो 5 बार से ज़्यादा ना लें, ओके। तो इस बात का आप ध्यान रखें और वर्कआउट अच्छे से करें, अपने पानी का दिन भर में ध्यान रखें और अपनी इन 6 मील्स को अच्छे से इंटेक करें विद पॉजिटिविटी, और सही समय से सोए ताकि आप सुबह को सही समय से उठ सके और अपनी फुल पॉजिटिविटी के साथ अपने इस डाइट प्लान को दोबारा से फॉलो कर सके। सो ये था हमारा फास्ट वेट लॉस डाइट प्लान विद हर्बलाइफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। आई होप आपको ये डाइट प्लान पसंद आया हुआ। सो आज अकुल बस की, ओके। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो इफ यू लाइक माई वीडियो सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। परमेश्वर आपको बहुत आशा।